हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो आपके पास गैसीय स्टेट है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दी है मैंने आपको वहां पे। और आपके पास मैंने उस लेक्चर में आपके पास डिस्कस ये किया था कि वेरियस गैसीय लॉज कौन से हैं, और आपके पास उनको थोड़ा सा मैंने देख बता दिया था कि गैसीय लॉज आपके पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपके पास, या जो एवोगैड्रोस लॉ है वो मैंने आपके पास उस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और जो लास्ट टॉपिक मैंने उसमें डिस्कस किया था दैट इज ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आपके पास वहां पे डिस्कस मैंने कर लिया है। अब जो हमने डिस्कस करना है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो आइडियल गैस इक्वेशन मैं आपके पास किसके लिए कंसीडर कर रहा हूं, किसी आइडियल गैस के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। आइडियल गैस तो मतलब आपके पास जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड क्या एवोगैड्रोस लॉ को कंप्लीटली फॉलो करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक है। तो मैं आइडियल गैस के लिए आपके पास बॉयल्स लॉ लिख रहा हूं। तो एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्या बोला मैंने, बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा, आपको पता ही है कि V is inversely proportional to P, VIP से आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए, एट क्या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ करूं मैं अगर, तो जल्दी से लिख रहा हूं, ठीक है, हमारे पास जो वॉल्यूम है That is directly proportional to T at क्या constant pressure. जब हमारे पास यहां पे क्या है, constant है pressure P. अब आपके पास मैंने चार्ल्स लॉ डिस्कस कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन वन मान लिया, इसको मैंने मान लिया टू, और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस लॉ सिंपल है। देखिए मैंने आपको जो बताया था वहां पे कि बताया था V is directly proportional to N, तो ये आप N is the number of molecules there, ठीक है, आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल, क्योंकि N जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि V is directly proportional to N, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन होगी, इकट्ठा करता हूं इन इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, देखो आपके पास इकट्ठा कर दिया तो आप आपके पास देखो इक्वेशन ऑन फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, या हम कंबाइन कर रहे हैं इक्वेशन को, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो क्या आ सकता है, दैट इज इक्वल टू पी को इस तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले गया मैं, पी भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ले लिया मैंने, टी ले लिया, एन ले लिया, ठीक है। बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी भी इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे आर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है जिसको हम कहते हैं दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द गैस, जो कि इंडिपेंडेंट है किसकी, एक तो अमाउंट के इंडिपेंडेंट रहता है ये, एंड क्या नेचर ऑफ गैस के भी क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये आपके पास बन गई आपके पास दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आपने याद रखना है हमेशा।
अब मुझे थोड़ा सा नेचर ऑफ जो आपके पास आर है उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अब नेचर ऑफ जो आर है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, मैंने आपके पास जो भी अभी आपके पास जो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन है, आपके पास एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ या आपके पास चार्ल्स लॉ अगर डिस्कस किए हैं, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हो आप। ठीक है, मैं अभी आपके पास उन ग्राफ्स में आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे मूव करना है थोड़ा, और जल्दी मूव करना है, तो इसलिए मैं उन ग्राफ्स की डिस्कशन नहीं कर रहा ज्यादा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली नेचर ऑफ गैस कॉन्स्टेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास क्या, नेचर ऑफ दैट इज गैस कॉन्स्टेंट, जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट था उसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज आर की बात कर रहा हूँ, इसकी नेचर की बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पीवी किसके बराबर था, बेसिकली दिस इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मुझे आर लिखना हो तो आर क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज आर यहां पे रख दिया, पीवी दूसरी तरफ रह गया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एन इंटू टी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि पी इज द प्रेशर, पी क्या था, प्रेशर था, एंड वी इज द वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई एन इज द मोल्स, कितने मोल्स हैं आपके पास। होप सो आपको ये मोल वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो, नहीं होगा तो चलो कोशिश करूंगा, बीच में अगर आप कमेंट करेंगे तो बता देना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा बाद में। टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर। अब आपके पास मैं नेक्स्ट मूव करने वाला हूं इसमें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखिए, एक्चुअली प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप भूल जाते हो तो आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं कि प्रेशर को आप याद रख सकते हो ऐसे कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। समझने का तरीका यह है कि एक बैलून ले लीजिए, अगर आप उसमें क्या लगा देते हो, अपनी उंगली से इसको दबाते हो तो क्या होगा, फटेगा नहीं, लेकिन आप एक दैट इज नीडल से आप इसको क्या कर सकते हो, इसको अचानक से मतलब थोड़ा सा भी प्रिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मिस्टू से ये फट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, दैट इज टिप का जो एरिया एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन था वो कम था, इसलिए प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो इसलिए अब आपके पास यहां से आप याद रख सकते हो कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या लिखा, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने यहाँ पे प्रेशर लिखना है। ठीक है, तो प्रेशर को डिफाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे फिर से। अच्छा, यहाँ पे आर है तो इसको आर लिखिए आप। ठीक है, एंड आर क्या आ गया अब आपके पास, प्रेशर क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू क्या आ गया, वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, इट इज मोल्स, इनटू क्या, टेम्परेचर, जो कि मैं अभी कैल्विन में कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। अब एरिया जो है, इट्स बेटर कि मैं एरिया को लेंथ की फॉर्म में इसको डिफाइन करूं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब। तो इट्स बेटर कि मैं उसके टर्म में यहां पे डिफाइन करूं इसको। ठीक है, तो आर क्या आ गया आपके पास, फोर्स, एरिया क्या बताया मैंने आपको, लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मैंने लिख दिया लेंथ स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो क्या आ गया आपके पास, ये वॉल्यूम के लिए आ जाएगा लेंथ क्यूब, वॉल्यूम के लिए आ गया लेंथ क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास, ये अब आपके पास मोल्स। मैं आगे आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि 3D में इन चीजों को बता के आपको समझा सकूं, बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आ गया मोल्स इनटू टेम्परेचर आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, क्यों, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं कि बिकॉज एरिया किसके बराबर था आपके पास, दैट इज लेंथ स्क्वायर, एंड वॉल्यूम किसके बराबर था आपके पास, दैट इज लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब। अब आगे मुझे इसको डिफाइन करना है, तो देखो स्क्वायर है ये कट गया, थ्री और टू कट गया, मतलब एक लेंथ बच गया अब आपके पास, तो इसको लिख सकता हूं मैं, आर किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स इनटू क्या, लेंथ, एक बच गया अब आपके पास, यहाँ पे ये कट गया एक्चुअल में। ठीक है, और यहाँ पे एक लेंथ बच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रह गया डिवाइडेड बाई क्या आ गया, मोल्स,
इंटू क्या आ गया, टेम्परेचर, इंटू क्या आ गया, टेम्परेचर। तो बेसिकली यहां पे फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है, दैट इज वर्क, या आप और वर्क नहीं डिफाइन करना, एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हो इसको। तो हम इसको लिखते हैं वर्क, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये किसके बराबर होता है, ये इकट्ठा वर्क के बराबर मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअल में, बेसिकली वर्क होता है, ठीक है। तो वर्क ओवर क्या आ गया, मोल्स इंटू क्या आ गया, टेम्परेचर। तो ये आपके पास आर है, ये मैंने अभी आपके पास डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं आर को डिफाइन करूं यहां पे, यहां से एक मेरे पास निष्कर्ष निकल रहा है कि आर क्या होगा, दिस इज वर्क डन। अब यहां पे पर डिग्री क्या है, पर डिग्री है, ठीक है, डिग्री मतलब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पर डिग्री बन गया, एंड ये भी क्या बन गया, पर मोल, ठीक है। तो मतलब आर इज के इक्वल टू, कि आर क्या बना हुआ आपके पास, दिस इज वर्क डन पर डिग्री पर मोल, ठीक है, पर डिग्री पर मोल आपके पास ये क्या आ गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं पर डिग्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, या पर कैल्विन भी आप कर सकते हैं बात, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, इसको आप पर कैल्विन की फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, अगर निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। अगर निकालनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, एनटीपी और एसटीपी पे जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इनको डिटेल में, लेकिन आपको ये कर सकते हैं कि जैसे आर क्या था अब आपके पास यहाँ पे, अगर आपने वैल्यू निकालनी है इसकी तो कैसे निकाल सकते हो, ये था आपके पास पीवी ओवर क्या था, एनटी था, ठीक है। तो पी की वैल्यू आप 1 एटमोस्फेरिक ऐड कर सकते हो, वन कर सकते हो, और 22.4 लीटर आता है ये, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, 1 मोल इंटू क्या, 273 केल्विन। तो ये आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, और इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, एट जो आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने, अगर आप इसको निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, और इसके अगर यूनिट्स निकालने हैं तो आप यूनिट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं बेसिकली, अगर प्रेशर के यूनिट बताऊं यहाँ पे तो एटमोस्फेरिक आ गया इसके यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम के आपके पास यूनिट क्या रहते हैं, लीटर्स में, या आपके पास लीटर में है या क्यूबिक सेंटीमीटर या डेसीमीटर में, जो भी लिखना है, तो अभी आप लीटर में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो स्मॉल फॉर्म में, हालांकि LITER लिखोगे आप, ठीक है, और यहाँ पे मोल में, और यहाँ पे क्या है, कैल्विन, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, कैल्विन है, ठीक है। अब अगर इसके यूनिट आ गए तो आ गया एटमोस्फेयर, ठीक है, और यहाँ पे अब आपके पास दूसरा क्या आ गया, लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से इसके यूनिट्स भी आप निकाल सकते हो, किसके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। तो देखिए मैंने अभी आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन डिफाइन की है, अब मुझे आगे जो डिफाइन करना है वो आपके पास, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को, मैं डिफाइन तो कर दूंगा, लेकिन मुझे इसकी, इससे कुछ एक रिजल्ट्स निकालने हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कुछ एक रिजल्ट्स निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है। तो चलिए अब लिखता हूं मैं आपके पास क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आपके पास क्या कहता है ये आपको मैं बता देता हूं। मान लीजिए मैं एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूं, ये सिलेंडर मैंने कंसीडर किया है, इसमें मैंने एक गैस एनक्लोज करके रखी है, और इसका जो प्रेशर है दिस इज पी ए, इसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी ए। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक गैस नहीं है, बहुत सारी हैं और नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, उनको मैं इकट्ठे इसमें ऐड करता हूं, ठीक है, इकट्ठे इसमें ऐड करता हूं, जैसे पी बी ऐड कर दी मैंने इसमें, पी सी ऐड कर दी, पी डी ऐड कर दी, ठीक है, एक गैस नहीं, मैंने बहुत सारी गैसेस ऐड कर दी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहां पे अब टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना है, दैट इज पी टोटल निकालना है,
तो उसकी बारे में यहाँ भी ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर प्रेशर क्या कहता है, व्हेन द डिफरेंट गैसेस एडेड इन साइड ए सिलेंडर, व्हेन द डिफरेंट गैसेस एडेड इन साइड ए सिलेंडर, सिलेंडर इज नॉन रिएक्टिंग, इज नॉन रिएक्टिंग मतलब वो रिएक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे से, देन देन द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस will be equal to the sum of partial pressure of all the gases individually, partial sum of partial pressure of all the gases individually. जो एक्चुअल में वो इंडिविजुअली पोजेस कर रही थी उसका मुझे सम करना है, बस नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो अगर मुझे इसको यहाँ पे मैथमेटिकली इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है कि P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी प्लस क्या पी डी। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर मेरे पास इतनी गैसेस है। ठीक है, अब आपके पास मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि पार्शियल प्रेशर अगर मुझे निकालना पड़े तो कैसे निकाल सकता हूं। तो चलिए कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक्सपेरिमेंट नहीं मैं अभी आपके पास यहाँ पे इसका डिस्कस कर रहा डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए, मैं डायरेक्टली आपके पास कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कि आपको पता होना चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पी ए की बात, पीवी आपको पता था कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। तो अगर ये पीवी इक्वल टू एनआरटी के बराबर है तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास गैस जो है जो उसका पार्शियल प्रेशर है पी ए, वॉल्यूम वो आपके पास सिलेंडर के बराबर प्रोजेस करेगी और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे उसके एन ए और आर टी ओवर, अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम वी, क्योंकि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आपके पास कांस्टेंट है वहां पे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर मुझे, यहाँ पे अगर मुझे क्या करना पड़े, दैट इज पी ए लिखना पड़े गैस के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एन ए आर टी ओवर वी, ये आपके पास इक्वेशन वन मैंने मान ली। दूसरा अब मैं लिखना है तो दूसरा लिखूं तो क्या करूंगा, लिखने के लिए दूसरा मैं लिखता हूं जिसमें आपके पास क्या होगा, पीबी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एन बी आर टी ओवर वी। अगर मुझे पीसी लिखना है, अच्छा इक्वेशन रहने देता हूं लिखने, क्योंकि फिर मेरे को मुश्किल हो जाएगी अगर लिखने में, तो पीसी अगर मुझे लिखना है तो क्या आ जाएगा, एन सी आर टी ओवर वी। ठीक है, इसी तरीके से पीडी आप लिख लेना आगे। ठीक है, मैं सी तक लेके जा रहा हूं, इसको निकाल रहा हूं, ये जो आपके पास है इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे लिखना पड़ेगा, तो पीसी तक ही लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब पीसी तक ही आप इसको नोट कर लो, कोई बात नहीं चलेगा इतना। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने यहाँ पे अगर पी टोटल लिखना है क्या आ जाएगा, पी टोटल, पी टोटल इक्वल टू पी ए क्या है, एन ए आर टी ओवर वी प्लस क्या हो जाएगा, एन बी आर टी ओवर वी प्लस that is N C R T over V हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं सम करता हूं आगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लेता हूं, तो R T over V कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपके पास क्या, N A प्लस क्या आ गया, N B प्लस क्या आ गया, N C। तो चलो अब मैं क्या करता हूं, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर P A जो है उसको मैं डिवाइड करता हूँ, पार्शियल प्रेशर मतलब इनिशियली जो गैस प्रोड्यूस कर रही थी प्रेशर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करता हूं, पी ए को डिवाइड करता हूं किससे, पी टोटल से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आ जाता है आपके पास देखते हैं,
जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ गया एन ए आर टी ओवर क्या जाएगा वी डिवाइडेड बाई, ये क्या था आपका फिर आर टी ओवर वी इंटू क्या जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इसको काट सकता हूं मैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस क्या एन सी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एन ए ओवर एन ए प्लस एन ई बी। आपको पता है मोल फ्रैक्शन होता क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जैसे कि एन ए प्लस एन बी प्लस क्या एन सी एंड सो ऑन, अगर आपके पास और भी है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे और आगे लेके जाना है इसको, तो पी ए जो पार्शियल प्रेशर है किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज पी टोटल इनटू दैट इज क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज प्रेशर पी टोटल, टोटल प्रेशर है गैस का, इनटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। मतलब आप इतना भी अगर आपको पता है तो इससे आप पार्शियल प्रेशर निकाल पाएंगे इजिली, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मैं डिराइव करना चाहता था एक्चुअल में, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली जो पी ए है वो किसके बराबर होता है, पी टोटल इंटू एक्स ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपके लिए आज के लिए था। तो होप सो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है कैसे करना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये निकालना, आप अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसे। तो होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर आ गया है पसंद आया है या आपको समझ आया है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।